सो हे गाइस, हाउ यू आर? शेखा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अभी ना मम्मी गई हुई है और पापा भी नहीं है घर पे, खाली अभी और मैं ही है घर पे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ बना लूँ, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है मेरे को। नीचे से जाती हूँ, शायद पास्ता वगैरह ले आऊँ एंड खुद बनाऊँगी मैं पास्ता, और साथ में कुछ देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाए तो। तो हमारे जो पास्ता है वो रेडी हो चुके हैं, और ये वाले मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। इसको ना तभी ठंडे हो जाएंगे, फ्रिज में रख दूंगी और फिर कल फिर से हम बना लेंगे। इतने बहुत हैं क्योंकि अभी और मेरे लिए। माजा भी डाल लेते हैं। बाकी मेरा हेयर स्टाइल देख लो, अच्छे से नहीं हुआ यार, मैंने जितना सोचा था ना। ठीक है, कोई नहीं। और मैंने क्रॉप टॉप पहना है, साथ में जीन्स पहनी है। तो जैसे आप सबको पता है कि सोन में जा रहे हैं लंदन 2-3 दिन में, एंड क्योंकि कल से मेरे स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, बुक्स वगैरह भी ले आई। मेरी 12th का फर्स्ट डे है कल यार, पता ही नहीं चला कि कब मैं 12th क्लास में आ गई। मतलब 8th से पता नहीं चलता ना, मेरे को ऐसा अभी भी लग रहा है कि मैं 9th क्लास में हूँ। पीछे से देखो ये क्या बोल रहा है। वापिस भी चले जाते 12th शट अप। तो अभी हम दोनों का प्लान ये है अभी और मेरा, कि हम सोनू भाई के घर जाएंगे। उनका एकदम से कैसे लंदन जाने का प्लान बन गया, कितने सारे लोग जा रहे थे, और अब तो खैर दो ही जने जा रहे हैं, सोनू भाई और अभिषेक भैया। तो गाइस, मैंने नया फोन ले लिया। मेरा है ये। अबे यार, एक तो इसमें बड़ा टाइम लगता है। तो हम जा रहे हैं बाइक पे। अबे यार, कितना शोर मच रहा है, इतनी गंदी वाली धूप पड़ रही है ना भाई साहब, काली और हो जाऊंगी मैं। कितने दिन हो गए मेरे को, मैं सीएम भी नहीं गई यार। फिशेस देखो यहाँ पे रखी हुई है। नहीं 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 है मेरी यार, देखना हटाई। नहीं, अरे ले लो यार, एक बार पहनी है मैंने बस। अभी और ब्रूनो में दोस्ती हो गई। ब्रूनो ब्रूनो मारो। इसको देखो, ये वाला पपीता दे रहे हैं ना, ये नहीं खा रहा, इसका छिलका खा रहा है ये ब्रूनो। बड़ा हो गया था, कितना छोटा, 2 साल का हो गया ना, 2 साल का होगा ना, तो 2 साल से ऊपर का ही हो गया। सितंबर में 3 साल का हो जाएगा, ढाई का हो। सोनू कटिंग क्यों करा के लाए इसकी? हाँ, कितने बाल जा रहा है। सोनू भाई का रूम देख लो आप, सारा थूक थूक हो रखा है। ये वाली लाइट देखो कितनी प्यारी लग रही है। सोनू मेरे अपने बेड की साइड लगा रखी है। दो लाइट, एक वाइट भी एक दूसरा। ये वाला तो सोनू भाई का रूम हो गया ना, देखो जैसे सोनू ने थोड़े शोपीस भी रख रखे हैं, कार कूल छोटी छोटी, साइकिल जीप, बाकी ये टीवी हो गया, और यहाँ पे कंप्यूटर और पीसी वगैरह रख रखा है, साथ में कैमरा रख रखा है, आर्टिफिशियल प्लांट, और इसके इस साइड ही बारजा है, इस साइड केशव भैया का कमरा निकलता है। ये वाला है केशव भैया का रूम, ये वॉशरूम, यहाँ पे बहुत छोटी सी प्यारी सी घड़ी रख रखी है।
मतलब यार ये वाली फिश ना एकदम सही रहती है, अगर आप एक्वेरियम लोगे ना तो उसमें फिशेस वगैरह आप रखोगे, जैसे शार्क हो गई और लीचे फिश हो गई, गोल्ड फिश हो गई, ये सब रखोगे तो साथ में ये वाली फिश ज़रूर रखना, चिपकने वाली। इसमें ना क्या होता है, जितने भी जो गंदगी वगैरह होती है ना पानी में, वो सब ये खा लेती है और ये ऐसी चिपकी रहती है हमेशा। इधर से तो अपना ये हो गया, यहाँ पे आती है किचन और यहाँ पे ब्रूनो है अपना, फ्रिज लगा रखा है और कुछ ऐसी चीज़ें। यहाँ पे फिश एक्वेरियम हो गया। इसके बाद यहाँ से दो रूम निकलते हैं, सोनू भैया का और केशव भैया का, कर देंगे अच्छे से। जैसे फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह भी रख रखे हैं और भी ऐसे आलतू फालतू का सामान रखा हुआ है, तो ये वाला सारा हटा देंगे और अंदर वॉशरूम भी है, सब कुछ सही करके बाद ये बन जाएगा अपना पूरा अच्छा सा गेमिंग रूम। ये मैंने अपने रूम के लिए ले ली, इधर मैं कुछ भी सजाने के लिए रख लूँगी। इधर तो प्यारा सा मंदिर है, ये भी मैंने आपको दिखाई दिया था, सेट कर रखा है। इस साइड ये ताई का रूम हो गया, उस साइड वॉशरूम हो गया, यहाँ पे बैठने के लिए सोफ़ा वगैरह रख रखा है, लाइट्स लगा रखे हैं बहुत प्यारी सी, यहाँ पे बहुत प्यारा सा मिरर है, ये मेरे को बहुत पसंद आया। कुछ शोपीस वगैरह रख रखे हैं। यहाँ पे हो गई किचन, ये डाइनिंग टेबल, और इधर से ऊपर जाते हैं, यहाँ पे तो मंदिर हो गया, ये भी बहुत प्यारा सा है, लाइट्स वगैरह। इसके बाद आता है यहाँ पे ड्राइंग रूम, यहाँ पे तीन सोफे रख रखे हैं, ये वाली लाइट्स भी अच्छी लग रही हैं, देखो ये देखो बोर्ड्स। तो ना सोनू भाई जाने वाले थे 11 या 12 तारीख को, बट अब जा रहे हैं 22 तारीख को। सोनू भाई लंदन जा रहे हैं ना, इसलिए हाँ रास्ते में जैसे अंडे बनाने पड़ जाएं या फिर राइस वगैरह बनाने पड़, इसको ऐसे अटैच करेंगे। ये एग बॉयलर देखो, इधर एग्स वगैरह रखते हैं इसके ऊपर, सबसे पहले स्टैंड आएगा फिर उसके बाद पानी, इतना ही डालना है बस। इसको हमने लो में कर दिया, अब इसको 12 मिनट हमें ऐसे ही छोड़ना है और फिर उसके बाद देखेंगे। मेरी फेवरेट चिकन जी, ये लो। चार पांच जने जा रहे थे, चार जने जा रहे थे और अब जा रहे हैं खाली दो। क्यों? चार लोगों का प्लान था, दो जा रहे हैं, बट कुछ तालमेल बैठ नहीं पाया चारों के बीच में, जिसकी वजह से फिर दो लोगों का कैंसिल हो गया एंड अब फाइनली जो है हम दो लोग। क्यों? तो तालमेल बैठ नहीं पाया। तालमेल कैसे नहीं बैठ रहा था? तालमेल तालामेल ऐसे। और बताओ आप कि आपको 11 या फिर 12 तारीख को जाना था, लेकिन अब आप जा रहे हो 22 को, क्यों? एक्चुअली हमने जो रूट देखा होगा आपने मेरी वीडियो में, हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, मुंबई से गाड़ी शिप होगी ईरान, तो शिपिंग की जो डेट थी ना वो पहले थी भाई हमारी 14 तारीख, जिसकी वजह से हमें 10 को यहाँ से निकलना था, बट वो शिपिंग की डेट चेंज हुई 14 से 17, फिर 17 से हो गई वो अब 25, फिर 25 से हो गई 1 मई, तो अब जो है वो फाइनली 1 मई को हमारी गाड़ी शिप होकर चली जाएगी, है ना। हम यहाँ से निकलेंगे 22 या 23 को। लंदन जाने की तैयारी शुरू हो गई, कपड़े कुपड़े ले आए आप? कपड़े कुपड़े हम लेंगे वो उससे, क्या है सदर बाजार में एक नई शॉप खुली है हमारी, नाम तो Branded.in, वहां से हम लेंगे कपड़े अपने लंदन के लिए। यस, मेरे लिए क्या लेके आओगे वहां से? इशू के लिए हम लेकर आएंगे एक गोबर का उपला, क्योंकि इंडिया में तो बहुत गायें हैं। चलो ना यार।
उसका गोबर तो इशू ने बहुत चखा है, बट हम एक्चुअल में इंपोर्टेड वाला गोबर इशू के लिए लाएंगे। हमें नहीं चाहिए वो, आप अपने पास रखना, वो आप अपने पास रखना। इसकी सुंदरता और निकल के आएगी, तो इसलिए हम पहले जरूर लाएंगे। अरे बताओ यार, बताओ, अरे झूठ नहीं बोला, बताओ। एक कुछ हमने प्लान करा है जो हम अभी नहीं बताएंगे, बट अपने सारे दोस्तों के लिए, सबके लिए, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए हमने कुछ प्लान किया है वहाँ से। अच्छा। हर कंट्री से कुछ कुछ लेके एक बैग में डाल के वो सबको बैग देंगे आके एक एक, तो अभी वो हम पहुंचेंगे तब बताएंगे। ठीक है सौरभ, आपको सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या आएंगे? मेन चैलेंज तो यही है कि इंडिया में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है, बाहर नहीं है एक्सपीरियंस, तो गाड़ी चलाने में थोड़ा सा डर लगेगा। वहाँ के ट्रैफिक रूल्स समझने पड़ेंगे अच्छे से कि कोई भी ब्रेक ना करे हम और चलान ना कटे हमारे। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है भाई हमारे, वो है पेट से रिलेटेड, क्योंकि एक तो वहाँ पे खाना हमारा इंडियन स्टाइल नहीं मिलेगा, तो थोड़ा मसालों की हमें आदत है वो नहीं मिलेगी, और चौथा पेट से रिलेटेड है वॉशरूम को लेकर, क्योंकि भैया ईरान टर्की तो फिर भी ठीक है, लेकिन यूरोप और यूके में हमें जेट स्प्रे नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे जो पिचकारी मारने की आदत है ना भाई, वो वहाँ पे होगी नहीं, वहाँ टिश्यू पेपर यूज करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग है। उससे अच्छा हम बोतल, ऐसी बोतल ले जाया करेंगे वॉशरूम में, फिर इससे अपना काम करेंगे मस्त। पूरी वीडियो मेरी गंद बताओ बता दिया जी। सोनू भाई आप कहीं और पे भी तो जा सकते थे, आप खाली लंदन ही क्यों जा रहे हो? अगर मैं कहीं और जाता तो तुम कहते कि वहां क्यों गए, लंदन क्यों नहीं जा रहे, तो इसलिए कहीं तो जाना ही था, तो दिल्ली से लंदन काफी फेमस रूट था, प्लस में ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पे बहुत साल राज किया है, तो इसलिए वो थोड़ा कनेक्शन वहां से कि हम अपनी गाड़ी वहां पे जाके चलाए मस्त, इसलिए। कितनी मिट्टी मिट्टी हो गई वो देखो, जल्दी चल अभी। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। 6:30 बज चुके हैं एंड मैं अब आई हूँ घर पे, तो फटाफट मैं पहले कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद फटाफट बैग लगा लेती हूँ, क्योंकि कल जाना है मेरे को स्कूल और थोड़ा बहुत जैसे काम वगैरह भी है स्कूल का भी, तो वो भी कंप्लीट कर लेती हूँ।